हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर रिव्यू. मैं हूं माविश एजाज और आज मैं बात कर रही हूं दिले मोमिन के बारे में. तो दिले मोमिन जो है लिखा है जहांज़ेब कमर ने, उसको डायरेक्ट किया है शहजादा शेख ने. तो डिस्कस करते हैं कि ये अच्छा ड्रामा है, बुरा ड्रामा है, कैसा ड्रामा है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो दिले मोमिन जो है एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको वो बहुत मेजर वाला सिंड्रोम नहीं होता कि ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा. तो इसका वो वाला सिंड्रोम है. ब्रैट सी लड़की है, प्लेड बाय मदिया इमाम. और मोमिन द टाइटुलर कैरेक्टर इज प्लेड बाय फैसल कुरैशी, जो एक मैनेजमेंट के टीचर हैं, बड़े सीरियस हैं और रिलीजियस भी हैं, कंजर्वेटिव फैमिली से हैं. उनका एक अपनी कजन से भी उनका एक बिट्रोदल है. Everyone expects them to get married and everything, but this girl is now obsessed with this boy. I don't know कि ये एक कैसा सीरियल होगा. ये वैसा सीरियल होगा जैसे हम कहाँ के सच्चे सीरियल है जिसमें सब लोग ही टेरेबल हैं, मतलब नो बडी इज मेकिंग गुड चॉइसेज. उसके ऊपर हम बात करेंगे. लेकिन दिले मोमिन जो है उसकी एक अपनी फैसिनेशन है, एंड आई थिंक दैट्स द ट्रिक. अगर आप वो क्रेजी लोगों को क्रेजी बबलगम तरीके से दिखाएं तो आई थिंक आप इन्वेस्टेड रहते हैं. लेकिन अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाती हैं तो फिर शायद आपको खुद उलझन शुरू हो जाती है. बट इसमें अपेरेंटली उस तरह उलझन, ये मज़ा आ रहा है लोगों को स्टूपिड हरकतें करते हुए देखते हुए. ये लड़की मदीहा माम जो है वो इस तरह की बातें करती है कि यू नो मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं को पसंद करती हूँ, मतलब सीधा फुल ऑन पसंद करती हूँ, ऑब्सेशन शुरू हो गया है. गौर रशीद भी हैं, बड़े अच्छे अदाकार हैं गौर रशीद, और उसमें मदीहा का सॉर्ट ऑफ लव इंटरेस्ट प्ले कर रहे हैं. बिगड़ी हुई औलादें और ब्रैट जो हैं वो एक रियलिटी है. इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी ऐसे नहीं होता और इस तरह की चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं. ये भी एक सेक्शन होता है, दुनिया में हर जगह होता है. तो बिल्कुल स्क्रूड अप लोगों की कहानियाँ जो हैं जब हम देखते हैं तो उसमें वही बात है कि अगर वो मज़ेदार तरीके से दिखाई हुई हो तो मज़ा आता है देखने में. लेकिन अगर वो बहुत ही कोई बोंगे फजूल तरीके से जिसमें कोई सर पैर नहीं होता, लॉजिक नहीं होती, तो फिर आप उसमें फिर यू स्टार्ट पिकिंग एट द पॉइंट्स, कह रहे हैं इसमें तो ये नहीं समझ आ रहा, इसमें तो ये नहीं समझ आ रहा. बट आई थिंक इट्स अ गुड वॉच. मुझे तो मज़े का लग रहा है, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज इट्स सो रिडिकुलस समटाइम्स कि यू आर लाइक वाओ लेट्स सी व्हाट दिस रिडिकुलस पर्सन डज नेक्स्ट. सो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थॉट, मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में. सेक्शंस जो हमारे नीचे दिए हुए उसमें आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी करते हैं, सपोर्टिव कॉमेंट्स भी करते हैं, सो थैंक यू सो मच. आई विल कीप कमिंग बैक विद द रिव्यूज. थोड़ा डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करती रहूंगी बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामाज इज समथिंग दैट आई लव एंड आई कांट स्टॉप वॉचिंग दैम. So I want you to watch them with me. So let me know what you guys thought. मुझे अच्छा लग रहा है so far drama. दो तीन episodes उसकी, दो episodes गालिबन हुई हैं इसकी. So let's see what the other episodes have to show us. And let me know in the comments what you thought. Take care of yourself. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.